देखो फ्री फायर में आप लोग चाहे सीएस रैंक में कितने भी मैच एक साथ हार के आ जाओ या फिर बीआर रैंक में कितनी भी माइनस करा के आ जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक बार आप लोग अपने दोस्त से कस्टम में हार गए तो फिर शायद ही उसके बाद आप लोग हंस पाओगे, क्योंकि आप लोग तो हंसना चाहोगे लेकिन आप लोगों के दोस्त की बातें आप लोग को रुला देंगी। मान लो कि आप लोग अपने दोस्त से कस्टम में हार गए तो उसके बाद आप लोगों का दोस्त बोलेगा आगे स्वाद, फिर आप बोलोगे अपने दोस्त से चीटिंग करता है तू, फिर आपका दोस्त बोलेगा फिर आप दोबारा बोलोगे चीटिंग 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 करता है तू, फिर आपका दोस्त एंड में बोली देगा चला जब। और आपको पता है एक कस्टम खेलने से पहले बहुत सारा सरदर्द और काफी सारी लड़ाइयाँ होती है, मतलब कस्टम खेलने से पहले एक घंटा तो इसी चीज में वेस्ट हो जाता है कि कस्टम आखिरकार बनाएगा कौन, क्योंकि शायद कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होगा जिसको एक हफ्ते में अपनी गिल्ड से 25-30 कस्टम मिल जाते होंगे मेल बॉक्स में। सबको एक ही कस्टम मिलता है और किसी किसी को तो एक भी नहीं मिलता, बात तो सही है। और जब कस्टम बनाने वाली डिबेट जब खत्म हो जाती है तो फिर उसके बाद कस्टम होता है, उसमें कोई हारता है और कोई जीत जाता है, फिर असली महाभारत तो ग्रुप में आने के बाद शुरू होती है। मतलब जो हार जाता है वो बोलता है कि भाई तूने उधर से मारा, तूने इधर से मारा, तूने ग्लू तोड़ के मारा, तूने छुप के मारा, मेरा पिंग भी लाल हो गया था और फोन भी लैग हो रहा था, फटने वाला था बस। मतलब सारी गलतियां सामने वाले इंसान की निकाल दी जाती हैं, लेकिन जो बंदा जीत गया होता है कस्टम वो बस एक ही चीज बोलता है कोई बात नहीं। लेकिन आज की इस वीडियो के बाद आप लोग एक भी कस्टम नहीं हारोगे, इस बात की मेरी गारंटी है, क्योंकि जो जो चीज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा वो चीज आप लोगों को इससे पहले यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताई होगी, और अगर बताई भी होगी तो शायद मैंने उसकी वीडियो नहीं देखी होगी। इसीलिए इस वीडियो का एक एक सेकंड एक एक डायमंड के बराबर है, मतलब बहुत ज्यादा कीमती है। और हाँ, मेरा एक दोस्त है वो एक भी कस्टम नहीं जीत पाता था, लेकिन फिर उसने इस चैनल को सब्सक्राइब किया और 07 से जीत के आ गया, ओ सॉरी 07 से नहीं 70 से जीत के आ गया। इसीलिए आप भी सब्सक्राइब कर लो फटाफट। अब देखो जो हमारी ट्रिक नंबर 1 है वो इतनी ज्यादा खतरनाक है, इतनी ज्यादा खतरनाक है, मतलब इसी ट्रिक से आप लोग दुनिया का कोई भी कस्टम जीत सकते हो, चाहे सामने से राइस्टार और क्लासी फ्री फायर एक साथ ही आपके ऊपर रश क्यों ना कर दे, आप लोग फिर भी जीत जाओगे। और उस ट्रिक का नाम है ग्रेनेड की बारिश। मतलब अगर आप लोगों को लग रहा है कि सामने वाले का कुछ ज्यादा ही हो गया, मतलब लगातार सारे राउंड वो जीते ही जा रहा है, तो फिर तो उठाओ ग्रेनेड और उसको ग्रेनेड की पावर दिखा दो। लेकिन हाँ, नेड की पावर दिखाने के बाद उसके ग्रुप में गलती से भी मत घुस जाना, क्योंकि पता नहीं भाई कौन सी गाली याद करके बैठा हो। अब देखो इस वीडियो में जो हमारी ट्रिक नंबर 1 है वो है गन्स। तो देखो आप लोगों को हमेशा सामने वाले की गन को देखकर ही खेलना है और उसी के हिसाब से रश करना है। मतलब मान लो कि अगर सामने वाले के पास एमिनेटेड 7 है तो फिर आप लोगों को हमेशा उसके मिड रेंज में रहकर उसे यूएमपी से हेडशॉट मारने की कोशिश करनी है, क्योंकि एमिनेटेड 7 गन का डैमेज काफी ज्यादा होता है और हेडशॉट भी काफी आसानी से लग जाता है। तो मैं भी आप लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को एमिनेटेड 7 गन नहीं चलानी आती तो फिर भाई आज ही ट्रेनिंग में जाकर प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि एमिनेटेड 7 गन अकेले ही स्क्वाड उड़ाने के काम आ जाती है। लेकिन हां, अगर आप लोग ड्रैग अच्छा कर लेते हो तो आप लोगों को UMP और MP40 गन का ज्यादा यूज करना है, और आपको हमेशा वो मौका ढूंढना है जब आप लोगों के सामने वाला एनिमी अपनी गन से फायर नहीं कर सकता। जैसे कि मान लो कि सामने वाले बंदे ने अपनी एमिनेटेड 7 गन की दोनों गोली आपको मारी, लेकिन वो आप लोगों को गोली लगी नहीं, वो साइड से कहीं निकल गई, तो अब उस बंदे को रिलोड करना ही पड़ेगा। तो उस मौके को आप लोगों को कभी भी मिस नहीं करना है, आप लोगों को मौका देख के हमेशा चौका मार देना है, क्योंकि जिस टाइम पर सामने वाला बंदा रिलोड कर रहा होगा या फिर ग्लू वॉल लगा रहा होगा तो उस टाइम पर वो फायर कर ही नहीं सकता, तो उस टाइम पर आप लोगों को तुरंत उसके ऊपर रश कर देना है। और हां, आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आप लोगों के पास हमेशा 3 गन तो होनी चाहिए, जैसे कि पहले आप लोगों के पास कोई ना कोई SMG गन तो होनी चाहिए, जैसे कि UMP या फिर MP40, और दूसरा है कि आप लोगों के पास कोई शॉट गन होनी चाहिए जैसे कि M10 या फिर M187, और थर्ड है डेजर्ट ईगल। और हाँ, याद रखना कि डेजर्ट ईगल लो या ना लो, लेकिन एक SMG गन और एक शॉट गन को तो आप लोगों को हमेशा यूज करना ही करना है। अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 2 की, जो कि है फास्ट स्विच। अब देखो कस्टम में क्या होता है कि जिसकी गोली पहले लग गई वो जीत जाएगा, और सिर्फ कस्टम में ही नहीं हर जगह ऐसे ही होता है कि जिसने 200 का डैमेज पहले दे दिया वो जीत जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को अपने गेम में इस गन वाले बटन पर अपने हाथ को सही तरीके से बैठा लेना है, मतलब एक गन की गोली खत्म हुई तो तुरंत उड़ते हुए दूसरी गन हाथ में आ जाए, इस तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। और हाँ, सिर्फ आप लोगों को गन स्विच नहीं करनी, आप लोगों को गन स्विच करते करते एक जंप भी लेना है, या फिर स्विच करते समय उसी जगह पर तुरंत बैठ जाना है, जिससे कि क्या होगा कि आप लोग बिना रिलोड के उसके ऊपर फायर कर पाओगे। वरना अगर आप लोग उसी गन को रिलोड करने बैठोगे तो रिलोड करते रह जाओगे और सामने वाला मेडिकेट मार के आपको मार देगा। जैसे कि आप लोग इस क्लिप में देख सकते हो कि मेरे पास एक गन थी, मैंने तुरंत उसकी सारी गोली फायर की, फिर मैंने तुरंत बैठ कर स्विच करके फिर उसको मार दिया। और आप लोग इस क्लिप में भी देख सकते हो कि मैंने तुरंत जंप करके स्विच करके उसको मार दिया आसानी से। अब बात करते हैं अपनी ट्रिक नंबर 3 की, जो कि है कि आप लोगों को पता लगाने कि आप लोगों के सामने वाला आखिरकार क्या करना चाहता है। मतलब अगर वो बार बार आपके शॉर्ट रेंज में आ रहा है तो फिर तो समझ जाओ कुछ तो गड़बड़ है। मतलब उसके बार बार शॉर्ट रेंज में आने का तो मतलब यही है ना कि वो शॉर्ट रेंज में काफी अच्छा खेल सकता है, तो बस आप लोगों को उसको परेशान कर देना है, मतलब उसकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होने देनी। वो कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूं। अगर आप लोगों के वो शॉर्ट रेंज में आ रहा है बार बार, तो आप लोगों को तुरंत मिड रेंज में भाग जाना है। लेकिन अगर वो बार बार आप लोगों से दूर भाग रहा है तो आप लोगों को किसी भूखे शेर की तरह उसका पीछा करना है और उसको शॉर्ट रेंज में जाकर उड़ा देना है, पर ध्यान से कहीं वो आपको ना उड़ा दे, क्योंकि अगर सामने वाले को बार बार उसकी बेस्ट पोजीशन नहीं मिलेगी तो फिर उसका गेम प्ले अपने आप ही खराब हो जाएगा। बस ऐसा मान लो कि अगर आप लोग किसी को बार बार परेशान करोगे तो फिर तो पागल हो ऐसे ही हो जाएगा।
अब देखो जो हमारी ट्रिक नंबर 4 है वो है आप लोगों को हमेशा अपनी गन को रिलोड रखना है, और रिलोड करने का भी एक अलग तरीका होता है। मतलब पहले आप लोगों को फायर कर देना, उसके बाद आप लोगों को तुरंत ग्लू मारकर रिलोड करना है। और हाँ, कभी भी एक ही जगह पर खड़े होकर कभी भी रिलोड मत करना, और हमेशा भागते हुए रिलोड करना, क्योंकि यार कभी कभी एक एक गोली से गेम हार जाते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को हमेशा अपनी गन को फुल रिलोड रखना है। अब देखो इस वीडियो में जो हमारी ट्रिक नंबर 5 है वो है कि आप लोगों ने बड़े बड़े प्लेयर्स को देखा होगा कस्टम में कि वो हमेशा अपनी स्क्रीन को बहुत ज्यादा रोटेट करते रहते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि वो लोग पागल हो गए हैं कि अपनी स्क्रीन को इधर उधर रोटेट कर रहे हैं, तो वो लोग अपनी स्क्रीन को जल्दी जल्दी इसलिए रोटेट करते हैं ताकि उनका एनिमी उनको आसानी से हेडशॉट ना मार पाए। तो इसीलिए आप लोगों को भी कस्टम में हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा जोश दिखाना है, मतलब एक ही जगह पर कभी भी खड़े नहीं रहना है, और ग्लू वॉल का ज्यादा से ज्यादा यूज करना है हमेशा, क्योंकि जितनी ज्यादा आप लोगों की कस्टम में मूवमेंट स्पीड होगी उतना ही आप लोगों को आसानी से कोई नहीं मार पाएगा। और मूवमेंट स्पीड बढ़ाने की भी मैं आप लोगों को निंजा टेक्निक बताता हूँ। तो निंजा टेक्निक ये है कि आप लोगों को हमेशा अपनी स्क्रीन को रोटेट करते रहना है, मतलब इधर से उधर भागते रहना है, और जॉयस्टिक का बहुत कम यूज करना है, और आप लोगों को जितना हो सके उतना फास्ट ग्लू वॉल मारने की कोशिश करनी है, मतलब बहुत तेज ग्लू वॉल लगाने की प्रैक्टिस करनी है, मतलब गोली फायर करी और तुरंत ग्लू वॉल, क्योंकि जो प्लेयर काफी फास्ट ग्लू वॉल लगा लेता है वो प्लेयर आसानी से किसी भी कस्टम को जीत सकता है। और हाँ, अगर आप लोगों की एक बार ग्लू की स्पीड तेज होगी तो आप लोगों की बाकी मूवमेंट स्पीड भी अपने आप ही तेज हो जाएगी, इसीलिए आप लोगों को फास्ट ग्लू वॉल से भी फास्ट ग्लू वॉल लगाने की कोशिश करनी है। और आप लोगों को कोशिश करनी है कि आप लोग हमेशा लेफ्ट फायर बटन से ही ग्लू वॉल लगाओ, क्योंकि लेफ्ट फायर बटन से बहुत फास्ट ग्लू वॉल लग जाती है, और लेफ्ट फायर बटन से ग्लू वॉल मारने के लिए 3 फिंगर खेलना पड़ेगा। अब बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट ट्रिक की, जो कि आप लोगों को 4v4 या फिर 3v3 कस्टम में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। अब देखो हमेशा सामने वाली टीम में एक ना एक प्लेयर तो ऐसा होता ही है कि जिसके बिना पूरी की पूरी टीम उसकी नूब के समान होती है। तो इसीलिए आप लोगों को सबसे पहले अपने किसी भी एक टीममेट के साथ जाकर सबसे पहले उस मेन प्लेयर को मारने की कोशिश करनी है। अब आप लोग बोलोगे कि भाई पता कैसे चलेगा कि वो बंदा आ कहां से रहा है, तो भाई वो अपनी ग्लू वॉल लगाकर तो आएगा ही ना, तो बस आप लोगों को उसके ग्लू वॉल की सही से पहचान कर लेनी है, और हर राउंड में पहुंच जाना है अपने दोस्त को लेकर उसके पास, क्योंकि राजा के मरने के बाद सिपाही कुछ नहीं कर सकते। और हाँ, 4v4 कस्टम में तो आप लोग एकदम किनारे किनारे से छुप छुप कर जाकर उन्हें पीछे से धप्पा कर सकते हो और बड़ी आसानी से मार सकते हो, क्योंकि यार 8 बंदों में कोई ध्यान नहीं देता कि कौन कहां से कूद के आ रहा है। और हाँ, अगर फिर भी मेरी कोई ट्रिक काम ना आए तो फिर आप लोग इस वीडियो में बताएगी सबसे पहले ट्रिक को एक बार ट्राई कर लेना, जिसका नाम था ग्रेनेड की बारिश। और हाँ यार, अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कहाँ सो रखे हो, फटाफट से सब्सक्राइब करो, और प्लीज यार इस वीडियो को अपने किसी भी एक दोस्त के साथ व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कर देना, और ऊपर नीचे कहीं पे मेरा इंस्टाग्राम दिख रहा होगा वहाँ पे जाके फॉलो कर लेना। मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।